और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। 26 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी राज्य सरकार को मूर्ति गिरने के बाद से लगातार घेरते हुए नजर आ रही है। वही 5 अगस्त को लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उन्होंने सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का जिक्र किया। मूर्ति के निर्माण में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, साथ ही राहुल गांधी ने मूर्ति निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति को दिया था उस पर भी सवाल खड़े किए। आइए देखते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। यहाँ कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी, इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए, अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित की गई थी। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में इसका लोकार्पण किया था, लेकिन 8 महीने बाद ही ये मूर्ति गिर गई। मूर्ति निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति को दिया था उस व्यक्ति को मूर्ति निर्माण का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति को क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला? ऐसा सवाल विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार से कर रहा है। मूर्ति गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में माफी भी मांगी। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके
मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस जयदीप आप्टे को ये मूर्ति निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसका संबंध आरएसएस से है और इसी के कारण बिना अनुभव होने के बावजूद उसको मूर्ति निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला। हालांकि 4 सितंबर को जयदीप आप्टे को महाराष्ट्र के ठाणे से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मूर्ति 26 अगस्त को गिरने के बावजूद 4 सितंबर को आप्टे की गिरफ्तारी हुई। जिस तरह से देरी हुई है इसके ऊपर भी विपक्ष लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।